उसने एक पति को चुना, पति संसार से विदा हो गई, चलो दूसरी जगह व्यवस्थाएं करी, बाऊ ने संगनाएं दियो, तीसरी जगह व्यवस्था करी, बहु राम नाम सत्य है वो, तो मैया के ढंग छोरे रो रे, बान गई मम्मी हम तो बिना पापाए रह गए। मैया बड़ी हौसले बंदाई वाल के लाला, चाहे शरीर को झोर हो जाए तुमने बिना पापाए नहीं रहूंगी। तो चार शरीर को जोर है जा, मेलो होगा और भजन होंगे, हेड कहीं मत करो कोई। लाला यार ठीक कर लीजो ना, किस दायनी और सम्मुख रहत गणेश पाच देव रक्षा करें सो ब्रह्मा विष्णु। मनुष्य का ये धर्म है और ईश्वर की कर आराधना और इंद्री दमन कर ज्ञान के अंकुश से इसको और इस मस्त गज के मारने और जो तू सफल हो जाएगा के भाई अक्षर अक्षर और ये सत्य है तू परम पद को पाएगा। ओ मेरी राखेंगे लाज हो और मेरी राखेंगे लाज, अरे मेरी राखेंगे लाज और सभा में आज, अरे सो कैलासी और बाबा आए सज्जनों।
वो कहे एक दोहा में कबार मथे घृत होए, बार मथे घृत होए सिकता त्यावर तेल, बिन हरि भजन न भवता नहीं। ये सिद्धांत आपे केवल केवल भगवान का भजन साथ जाता है। एक दिन नारद मुनि और कौशिक मुनि यानी विश्वामित्र जी में एक दिन बाद विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कहने लगे, मुनि जी राम बड़े हैं। नारद मुनि ने कहा, कदापि नहीं मान सकता, राम का नाम बड़ा है। बन के जब स्वयं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, स्वयं भगवान राम है, नाम में क्या शक्ति है, बन के बता दूंगा। नारद मुनि जी ने कहा, भगवान राम ने लंका पर विजय श्री हासिल की, अवधपुरी में आए, राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। इधर केक देश के केकई का भाई विक्रम एक भेंट, एक तोहफा, एक उपहार लेकर के अवधपुरी की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में नारद मुनि मिल गए, बल कहां जा रहे हो भैया, बल्कि आज भगवान राम लंका से रावण पर विजय श्री हासिल करके आए, उनके लिए कुछ उपहार भेंट कर दो। बल्कि तुम्हें मालूम है वहां अध्यक्षता का पद किसने ग्रहण किया है? मैं अवगत नहीं हूं महाराज। बन के विश्वामित्र, वो वेश्यामित्र है, विश्वामित्र नहीं है। क्या तू उसको शीश झुकाएगा जाकर के? तुम क्षत्रिय हो, मति को भ्रमित कर दिया। बन के महाराज बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं उसको नमस्कार क्यों करूंगा। लो विद्वान श्रोता, उपहार को लेकर के वो विक्रम अवधपुरी में आए, उस तोहफे को भेंट करने लगे और हुआ क्या? हो हो कौशिक मुनि को छोड़ अरे दियो सिर सभा में मेरा अपमान, और क्या कहने लगा।
अति क्रोध भैया अति क्रोध। नकाउद्दीन की सेहत ना कोई ले और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे पाए। समय की बात है, वक्त की बात है, आ गए मौको बन के देख मैं मोई बन के। महाराज रुको, भगवान राम वो भानुकुल वो रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र हनुमान कहने लगे क्या? अरे कहने लगे और जगदीश शाम तक और शीश चरण में आवे। भगवान शाम तक का इंतजार कर लो, आप प्रतीक्षा करो। कहने लगे और जगदीश शाम तक और शीश चरण में आवे और चाय रक्षा करे महेश अरे बचन नहाए पाए।
आप जल प्रबंधन बारे जल का वितरण करे, जल पिलाए, वॉलंटियर आए बनके महाराज शाम तक विक्रम का शीश आपके चरणों में होगा। सज्जनों विक्रम घबरा गया, बन कई बाबा जी ने मैं मरवा दिया, अब मैं क्या करूं। सज्जनों दौड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा है और नारद मुनि जी मिल गए। चेतराम भैया पैरों में पड़ गया और क्या कहने लगा, एक डेकाड्रोन को इंजेक्शन ऐसा बताऊंगा राम कुछ नहीं कर सकते। बन के कहा, आप हनुमान जी की जो मां है ना अंजनी, उनके पास जाओ। और क्या कहने लगे नारद मुनि उस नृपत विक्रम से, अभी लो ये कुरान के बाद में आपका धैर्य हो, हो। एक काम करना, पर मैं जिन शब्दों को कहूं उनको तू हृदयंगम कर, वो ही बात कहनी है, ना कमती ना ज्यादा। कहो प्रभो और अंजनी के जोरे जाओ, अंजनी के जोरे
हमारे ऊपर राजनीति कर रहे, मेरी बात अच्छी लगे तो आप मुझे आशीर्वाद दें।